स्टार प्लस के सीरियल फालतू में आधी रात को फालतू काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है क्योंकि उसकी नींद जो उड़ गई है। जी हाँ, उसे काफी ज्यादा बेचैनी हो रही है और जिसके चलते वो नींद से उठकर बैठ जाती है और अपना फोन देखती है। और जैसे ही वो ये फोन देखती है उसे पता चलता है कि मार साहब यानी कि अयान उसे फोन करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसे ये बात समझ आ जाती है कि अयान कहीं ना कहीं अभी भी मुंबई में ही है और वो अपने हनीमून के लिए विदेश नहीं गया। और तभी ही उसे कुछ ऐसी आवाज आती है कि वो वहां से उठकर चली जाती है। वो एक ही है, उन दोनों की लाइफ एक दूसरे के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, तो घुमा फिरा के आई जाते हैं एक दूसरे के सामने। और यही होता है जब आपका किसी के साथ कनेक्शन होता है, आप चाहो या ना चाहो वो कहीं ना कहीं से घूम के आपके सामने उनकी कोई बात या वो इंसान आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ तनिषा और उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्हें ब्लैकमेलर के बारे में पता जो चल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ब्लैकमेलर ने वो कन्फेशन वाला वीडियो आयान को भेज दिया? नो मॉम, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो वीडियो सिर्फ मेरे और सेट के पास है और मैंने वो वीडियो सेट के फोन से डिलीट करवा दिया था। फिर वो पेन ड्राइव में सेट के लॉकर में रखा हुआ है और वहां तक किसी को भी पहुंचना मुश्किल है। और अब अयान के सामने भी ये सच्चाई आ गई है कि उसने ही फालतू की मांग भरी थी और फालतू उसकी पहली पत्नी है, जिसके बाद उसने ठान लिया है कि अब वो फालतू का जिम्मा उठाकर रहेगा। इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो फालतू से मिलने के लिए पहुंचे। तभी तो उसने अपना रूम लॉक कर लिया और तनिषा और सभी घर वाले रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत टाइम तक वो दरवाजा खोल नहीं पाते, जिसके चलते सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। अयान ने देख लिया कि फालतू इज इनोसेंट और फालतू जो कुछ भी कर रही थी अभी तक वो अयान से सिंदूर का साथ छुपाने के लिए कर रही थी, और जो भी उसने कड़वी बातें बोली, जो भी गुस्सा किया, जो भी गलत बातें बोली अयान को, वो उसे हर्ट करने के लिए थी ताकि अयान को सच ना पता चले और अयान उससे दूर रहे। सो नाउ दिस अयान हैज़ रियलाइज्ड, और उसको ये भी पता चल गया है कि उसने सिंदूर लगाया था, विच मीन्स द वर्ल्ड टू बोथ ऑफ देम। और इनकी परेशानी जल्द ही खत्म हो जाती है क्योंकि अयान रूम में नजर आते हैं और वो दरवाजा खोलकर सभी लोगों से मिलकर बातचीत करने लगते हैं। तो वो कुछ ऐसा प्लान करता है कि सबको लगता है अंदर सो रहा है, बट वो खिड़की से कूद के जाता है और क्या करता है वो आप देखना। तो अब देखना होगा कि क्या अयान फालतू को अपने घर ले आएगा, और अब तनिषा क्या करेगी जब उसे ये बात पता चलेगी कि अयान को ये पता चल चुका है कि फालतू उसकी पहली पत्नी है। स्टार प्लस के सीरियल फालतू में आधी रात को फालतू काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है क्योंकि उसकी नींद जो उड़ गई है। जी हाँ, उसे काफी ज्यादा बेचैनी हो रही है और जिसके चलते वो नींद से उठकर बैठ जाती है और अपना फोन देखती है। और जैसे ही वो ये फोन देखती है उसे पता चलता है कि मार साहब यानी कि अयान उसे फोन करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसे ये बात समझ आ जाती है कि अयान कहीं ना कहीं अभी भी मुंबई में ही है और वो अपने हनीमून के लिए विदेश नहीं गया। और तभी ही उसे कुछ ऐसी आवाज आती है कि वो वहां से उठकर चली जाती है। वो एक ही हैं, उन दोनों की लाइव्स एक दूसरे के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं, तो घुमा फिरा के आई जाते हैं एक दूसरे के सामने। और यही होता है जब आपका किसी के साथ कनेक्शन होता है, आप चाहो या ना चाहो वो कहीं ना कहीं से घूम के आपके सामने उनकी कोई बात या वो इंसान आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ तनिषा और उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्हें ब्लैकमेलर के बारे में पता जो चल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ब्लैकमेलर ने वो कन्फेशन वाला वीडियो आयान को भेज दिया? नो मॉम, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो वीडियो सिर्फ मेरे और सेट के पास है और मैंने वो वीडियो सेट के फोन से डिलीट करवा दिया था। फिर वो पेन ड्राइव में सेट के लॉकर में रखा हुआ है और वहां तक किसी को भी पहुंचना मुश्किल है। और अब अयान के सामने भी ये सच्चाई आ गई है कि उसने ही फालतू की मांग भरी थी और फालतू उसकी पहली पत्नी है, जिसके बाद उसने ठान लिया है कि अब वो फालतू का जिम्मा उठाकर रहेगा। इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो फालतू से मिलने के लिए पहुंचे। तभी तो उसने अपना रूम लॉक कर लिया और तनिषा और सभी घर वाले रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत टाइम तक वो दरवाजा खोल नहीं पाते, जिसके चलते सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। अयान ने देख लिया कि फालतू इज इनोसेंट और फालतू जो कुछ भी कर रही थी अभी तक वो अयान से सिंदूर का साथ छुपाने के लिए कर रही थी, और जो भी उसने
कड़वी बातें बोली, जो भी गुस्सा किया, जो भी गलत बातें बोली अयान को, वो उसे हर्ट करने के लिए थी, ताकि अयान को सच ना पता चले और अयान उससे दूर रहे। सो नाउ दिस अयान हैज़ रियलाइज्ड, और उसको ये भी पता चल गया है कि उसने सिंदूर लगाया था, विच मीन्स द वर्ल्ड टू बोथ ऑफ देम। और इनकी परेशानी जल्द ही खत्म हो जाती है, क्योंकि अयान रूम में नजर आते हैं और वो दरवाजा खोलकर सभी लोगों से मिलकर बातचीत करने लगते हैं। तो वो कुछ ऐसा प्लान करता है कि सबको लगता है अंदर सो रहा है, बट वो खिड़की से कूद के जाता है, और क्या करता है वो आप देखना। तो अब देखना होगा कि क्या अयान फालतू को अपने घर ले आएगा, और अब तनिषा क्या करेगी जब उसे ये बात पता चलेगी कि अयान को ये पता चल चुका है कि फालतू उसकी पहली पत्नी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें, और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटियां।